पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल का चला जादू। वोकल फॉर लोकल ने निकाला चीन का दिवाला। इस बार दीपावली पर देश भर के बाजारों में रिकॉर्ड तोड़ व्यापार हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष के दिवाली सीजन में देश भर के बाजारों में 3,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ व्यापार हुआ है। अभी कई त्योहार बचे हैं, शादी का सीजन भी आने वाला है जिसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए का और व्यापार होने की संभावना है। पिछले सालों में दिवाली त्योहारों पर चीन से बनी वस्तुओं को लगभग 70% बाजार भारत में मिला था, जो इस बार बिल्कुल भी नहीं मिला है। देश में किसी भी व्यापारी ने इस साल चीन से दिवाली से संबंधित किसी भी वस्तु का कोई इम्पोर्ट नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा त्योहारों पर लोकल बनी वस्तुएं खरीदने का आह्वान किया गया था, जिसका बड़ा प्रभाव पूरे देश में दिखाई दिया। इससे आत्मनिर्भर भारत की एक विशिष्ट झांकी दिवाली पर्व के जरिए देश और दुनिया को देखने को मिली है। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपने रोजमर्रा के जीवन का, अपनी रोजमर्रा की खरीदी का हिस्सा बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का वोकल फॉर लोकल आह्वान अब जब देश में धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। कोरोना संकट काल में देश के घर घर में वोकल फॉर लोकल की गूंज ने न केवल हमारे घरेलू उत्पादों और उत्पादकों को नया संबल दिया, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से कदम भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कदम बढ़ाते हुए वोकल फॉर लोकल पर ध्यान देने के लिए कहा है। वोकल फॉर लोकल का मतलब है देश में निर्मित वस्तुओं को केवल खरीदे नहीं, बल्कि साथ में गर्व से इसका प्रचार भी करें। यानी लोकल को वोकल होना पड़ेगा। वोकल फॉर लोकल से तात्पर्य ये है कि हमें अपने देश में बनी हुई चीजों को लेकर वोकल होना चाहिए, अर्थात देश में बनी हुई चीजों को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हमारे देश का धन देश में ही रहेगा और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जाएगी। वोकल फॉर लोकल के सपने को साकार करने के लिए एकल अभियान भी लगातार काम कर रहा है और ग्रामीण और वनवासी लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है, वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ा रहा है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। ग्रामोत्थान योजना की मदद से आज महिलाओं को सिलाई बुनाई, वहीं किसानों को गौमूत्र और गाय के गोबर से अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार करने की टेक्निक दी जा रही है। एकल अभियान अन्य गौ उत्पादों से भी वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें ग्रामीण महिलाएं और पुरुष मिट्टी और गोबर से दियाले बना रहे हैं, धूपबत्ती के साथ साथ मूर्तियां भी बना रहे हैं और इन तमाम उत्पादों से अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। तस्वीरों में दिख रही है भगवान श्री राम की मूर्ति बांस की लकड़ियों से बनी है। बांस की लकड़ियों से सिर्फ मूर्तियां ही नहीं बल्कि सेल्फी स्टिक, स्लाइडिंग दरवाजे के साथ साथ कई बेहतरीन प्रोडक्ट्स भी बनाए गए हैं, जिसने लोकल फॉर वोकल को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। देखे हमने 40 वर्ष से हमने बांस काम कर रहा लिया, तो हमारे बेटा कहलको कि जे हम मूर्ति बनेबू, कहे बना तो भारत माता बनेलको, शंकर भगवान बनेलको, राम लक्ष्मण बनेलको, सीता ना खाली ना बनेल अथी बनेल कृष्णा जी राधा जी सब बनेल है। वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाने में एकल भारत अपना पूरा योगदान दे रहा है। ऐसी एक बेटी है छाया, जो एक पैर से दिव्यांग होते हुए भी अपनी प्रतिभा से वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। एकल के सहयोग से छाया ने पहले खुद आसपास की फूल पत्तियों से प्राकृतिक रंग बनाना शुरू किया और उसे बेचने लगी। धीरे धीरे छाया ने अपनी प्रतिभा और एकल के सहयोग से अपने गाँव पेंदा में ही नहीं बल्कि आसपास के 30-40 गाँव में प्राकृतिक रंग उत्पादन और निर्माण से जुड़े घरेलू महिलाओं को स्वावलंबन की राह दिखाई है। ये कलर बनाने का सामग्री है कि ये कॉर्नफ्लावर जैसे हम बोलते हैं मक्का, उसका पाउडर है और जो खाने वाले कलर रहते हैं उसको मिलाकर हम ये इसे धूप में सुखाना चाहिए और फिर बाद में उसको छाननी करके हमें पैकेट तैयार करने हैं। एक और जहां पीएम मोदी का संकल्प है तो दूसरी तरफ संकल्प का अनुसरण एकल अभियान पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा कर रहा है।
और तो और अब ग्रामीणों को भी पलायन से मुक्ति मिल रही है और अब भारत विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ा रहा है।